स्वागत है आप लोगों का माय पॉइंट ऑफ व्यू में। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है द डार्लिंग ऑन द फ्लैंक्स पर। एंड आज की वीडियो में मैं ये एक और डिक्लेयर कर देता हूँ कि अब मैं वीडियो थोड़ा सा इररेगुलर ही भेजूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, इंस्टाग्राम पर शेयर करना, फेसबुक पर, ट्विटर सब जगह पर मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। एंड फिर वीडियो पर तभी थोड़ा सा व्यू आता है। एंड रेगुलर वीडियो डालने से मेरा कुछ नहीं हो रहा। रेगुलर वीडियो डालने से आई थिंक क्वालिटी भी लो आ रही है, एंड क्वान्टिटी एंड क्वालिटी पर डिफरेंस जा ही सकते हो। तो मैं लेट डालूंगा जिससे क्वालिटी और भी अच्छी आए। एंड अपने वीडियो को शुरू करते हैं, पार्ट फोर, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई आफ्टर ब्रेन वॉश सबको ये लगता है कि भाई पापा जो है अभी गलत ज़्यादा गलत कर रहे हैं हमारे साथ, एंड हम वो बस यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वार में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड अभी ये वो अभी जो है स्टोरी है, आज की स्टोरी मेन साइंटिस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। साइंटिस्ट कहाँ से सब कुछ शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, एंड इससे आप मतलब कि क्या फ़ायदा होता है ह्यूमन बींग्स को। आप जो चीज़ यहाँ पर केस ये होता है, जो ये हमारी प्रिंसेस है ना, ये प्रिंसेस हमारे अर्थ की बिलोंग नहीं करती है। इनसे देख सकते हो कि इसका सिंग निकला पड़ा है, तो वो आई थिंक वो दूसरे प्लेनेट से आई है। एंड दूसरे प्लेनेट से आने के बाद इस यहाँ पर शिफ्ट हो गई तरीके से। एंड उसके मतलब कई सारे दोस्त होंगे, उधर के बंदे होंगे, उधर के ह्यूमन बींग्स हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। बिकॉज वहाँ के प्लेनेट पर किसी और के दूसरे स्टार इंटिटीज ने अटैक कर दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि वो प्रिंसेस है, एंड उसके बाद अभी भी बैकअप बुझाता है। तो अब पता ही है, जब अर्थ पर कोई मतलब इनवांटेड अनवांटेड चीज़ आता है, हम कैसे स्वागत करते हैं उस चीज़ का। तो भाई अब जो ह्यूमन बींग्स है उनको भाई गलत गलत ट्रीट करते हैं, एंड उनका सामान जो होता है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके हथियार होते हैं, वो ह्यूमन बींग के हथियार से बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड होते हैं। तो अब जो साइंटिस्ट है ये हमारा, वो साइंटिस्ट अब एक पता लगता है जो ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट से हमारा ह्यूमन बींग्स इमोर्टल बन सकता है। मतलब इमोर्टल मतलब तरीके से कि वो अमर हो जाएगा, कहीं मरेगा नहीं। बट इसके कोई एक ड्रॉबैक भी है कि ह्यूमन बींग कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तुम खुद ही सोचो यार कि ह्यूमन बींग है, अब वो ना रिप्रोड्यूस भी कर रहा है और इमोर्टल भी है। जो भी बंदा जिंदा होता है मरता ही नहीं है, तो भाई अर्थ कैसे चलेगी, है ना, साइकिल ख़राब हो जाएगा। अर्थ में भी ह्यूमन बींग से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ कहने का नहीं, सारी अमर होंगे। तो भाई अब इस चीज़ का सोल्यूशन तो निकल जाता है। बट अब ना प्रिंसेस बोलते हैं कि मेरी बात मानो, कि एक साथ मिलकर अटैक करते हैं सिलेसर पर, ठीक है। मतलब कि जो बाहर की दुनिया है वो हम पर अटैक करने वाली है, एंड वो सब मान भी जाते हैं। बट वो बोलते हैं कि तुम हमारे अंडर काम करो, ठीक है। बट वो मानती नहीं प्रिंसेस। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा हथियार और तुम्हारा एडुकेशन और तुम्हारा ये सब जितना भी हथियार है ना, हमारे हथियार से बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि उसके भी अपना ईगो होता ही यार, वो भी प्रिंसेस है उस इलाके की, मतलब दूसरे प्लेनेट की। तो भाई अब इन दोनों के बीच में वो शुरू हो जाता है वार कि हम राजा हैं। तो वो सिंपल अंडरवर्ल्ड में रहती है, बट ह्यूमन बींग थोड़ा खुजली होता है, उनको पता चल जाता है जो एलिमेंट है जो उनके पास अभी के पास है, वो ह्यूमन बींग के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, एंड वो कितना इफेक्टिव है ह्यूमन बींग के लिए, वो पता लगा लेते हैं। बट जब वो चीज़ माइन कर रहे होते हैं अंडरवर्ल्ड से, एंड जहाँ प्रिंसेस रहती है, तो प्रिंसेस अटैक तो करेगी अपना सामान बचाने के लिए। तो वही उसकी वजह से ये जो फ्रैंक्स है वो साइंटिस्ट बनाता है, क्योंकि फ्रैंक जो एक प्रोटोटाइप है, जो मतलब जो प्रिंसेस भी है ना, प्रिंसेस का सबसे पहला मतलब कि ये इतनी एडवांस है कि वो 2 मिनट कटती है, वो 2 मिनट हो जाती है, मतलब 2 फ्रैंक्स बन जाती है। एंड वो 2 फ्रैंक्स के जैसा ही इस साइंटिस्ट ने फ्रैंक्स बनाया। बट इस फ्रैंक्स को चलाने के लिए 2 बंदे चाहिए, ठीक है। अब 2 बंदे क्यों चाहिए? अब 2 बंदे इमोर्टल बंदे हैं, जो इमोर्टल हैं, ठीक है, लड़के लड़के लड़की लड़कियाँ लड़की लड़की, वो एक दूसरे से पैर बना ही नहीं पा रहे थे कम्फर्टेबल, या एक तरीके से कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि वो उनको रिपल्शन ऑर्गन नहीं था। एंड उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, एंड आई थिंक उन्होंने कई लोगों की जान भी ले ली एक्सपेरिमेंट में, कई बच्चों की जान ली। फिर पता चला कि हमें मतलब कि रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तभी ये 2 लड़के लड़की एक तरीके से पैर बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे। तो ये नए तो बच्चे होते हैं, उन्हें बच्चे डेवलप किए, एंड बच्चे में से एक थी 02। तो 02 है वो एक प्रोटोटाइप है, वो भी क्योंकि 02 है एक तरीके से उनकी प्रिंसेस है, उसके ब्लड से बनाया। अब बोलोगे उसका ब्लड कहाँ से आया है ना,
तो साइंटिस्ट है वो एक कॉम्प्रो करने के लिए जाते हैं, बट प्रिंसेस जो होती है वो कॉम्प्रो नहीं करती, उसको खा जाती है। तो उसका एक दो उसका जो मतलब कि डीएनए है उसके अंदर एक तरीके से रह जाता है, और डीएनए से 02 बनाता है। फिर 02 जब प्रिंसेस मर जाए तो 02 का जगह लेकर वो सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर पाए, बट जो 02 है वो पता ही कैसी है अभी। तो 02 एक तरीके से साइंटिस्ट से बनाया हुआ एक दूसरा मतलब कि एक जीव है जो उसके जैसा ही, एंड 02 के जैसे और भी जीव जो ये जितने भी बंदे हैं ना वो 02 के प्रोटोटाइप्स हैं। एंड उसके बाद हमारा जो ये मतलब कि वार है वो शुरू हो जाता है इनके बीच में। एंड जो ये वार होता है यहाँ पर जो बच्चे ब्रेन वॉश होते हैं वो बोलते हैं हमें पापा से कि भाई ये लास्ट वार है जो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, एंड उसके बाद हमें इस वार में लड़ना नहीं है। हमें ये पता चलता है जो पापा जाए वो अर्थ में रहते ही नहीं है, वो रह रहे हैं स्पेस में, वो रह रहे हैं अब ऊपर। मतलब को पता है कि लड़ाई होगा तो भाई नीचे होगा, वो एक ही लग रहा है अभी तक, लड़ाई होगा नीचे होगा, जो लड़ाई हारेंगे भोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा, हम तो ऊपर है मतलब कि स्पेस में। तो भाई सबसे बड़ी बात ये अपने आप को एक सेफ जोन में रखते हैं, एंड बच्चों को बोल रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे फाइट करो हमारे लिए, ठीक है प्रिंसेस से हो भी। तो भाई प्रिंसेस आप अपना पूरा पावर यूज करती है, बोलती है मैं तुम्हारा टाइम पास कर रही थी, एंड मैं अभी तक अपना 1% पावर यूज 1% पावर ही यूज कर रही है फाइट फाइट के लिए, क्योंकि मुझे अपने आप को अपने ह्यूमन बींग जो हमारे मेरे ह्यूमन बींग्स हैं और जो हमारे प्लैनेट के एलियंस हैं उनको डेवलप करना था, इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी, मेन मेरा फोकस यहाँ पर था। तो भाई वो बताती है कि अभी वो अटैक करने वाला है, एंड वो मेरे रेडियस में आ चुका है, रेडियस मतलब कि रेडियस के बहुत ज़्यादा करीब है, तुम्हारा अर्थ जो है अब नया शिकार बनने वाला है। जो जितने बच्चे हैं तो समझाते हैं इन दोनों को, भाई तुम दोनों ने शादी कर रखी है और हम दोनों पार्ट, जो उनका पहला वाला पार्टनर होता है मोटा भाई, वो बोलते हैं अब मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं कर सकता, बात प्लीज़ समझो। फिर ये दोनों समझा ही रहे होते हैं तो इनकी एक नई वो मिल जाती है केयर टेकर, जो केयर टेकर जो होती है वो चेंज होती है, एकदम ब्रेन वॉश होती है, वो उतना ही बोलती है जितना पापा उसे बोलने के लिए बोलते हैं, एंड वो कम से कम एकदम जितना कमांड होता है वही देती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा फीलिंग एक्स्ट्रा ऐश्वर्य कुछ नहीं करती। एंड वो सिंपल भी देखती कि जो ये लड़की है थोड़े तो दिनों के बाद देखते उल्टी पुलटी कर रही है, एंड ये प्रेगनेंट एक तरीके से, दो अब इनको भी नहीं पता था कि हमने इन्हें सब क्या क्या कर रखा है अकेले में। तो भाई अब पता चल जाता है कि प्रेगनेंट है, एंड पापा जो तो जो इसका पापा है बेटा होने वाले बेटे का पापा है वो ये है। तो सिंपल बोलती है तुम्हें फैंक चलाना है, तुम्हें मिशन पूरा करना है दोस्तों के साथ, तो बच्चे को अवॉर्ड कर दो, तुम्हें बच्चा चाहिए तुम्हें फ्रैंक कभी चलाने को नहीं मिलेगा। तो भाई यहाँ पर अब वो ये चूज करती है कि हम कभी फ्रैंक नहीं चलाएंगे, एंड वो लड़का का केयर करता है, एंड जो उसके असली वाली वो होती है ना केयर टेकर, जो सादो केयर टेकर कर रही होती है, वो देखती है कि मेरा ये ब्रेन वॉश कर रखा है, एंड वो अब उसको भी काफ़ी गलत ट्रीट करते हैं, उसको भी जेलें बंद कर देते हैं, क्योंकि याद उसकी यादें भी चेक करती हैं उनके दिमाग में कि हाँ भाई ये सब चीज़ें क्या है, तो उसे भी आउटर स्पेस बंद कर देते हैं एक तरीके से। फिर वो आफ्टर वार उसको लेके आ जाते हैं, एंड काफ़ी चीज़ें फिर नॉर्मल होने लग जाती है। अब तो हो चुका है वार शुरू, ठीक है। हम जो 02 का जो एक उसको एक नया वो मिलता है रोबोट, नया एक फ्रैंक मिलता है जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड एडवांस होता है, अपग्रेडेड होता है, क्योंकि इस वार के लिए वो बोलते हैं कि तुम्हें अपग्रेडेड फ्रैंक की जरूरत पड़ेगी। एंड वो थोड़ा लेट जाता है, बट उसके चारों दोस्त चले जाते हैं वार के बीचों बीच, लड़ाई कर रहे होते हैं मतलब कि प्रिंसेस से। बट प्रिंसेस जो है वो अपना जब वो निकालती है मतलब कि एक बंदूक जैसा निकाल रही है, वो उनके तरफ एरो नहीं कर रही, वो आकाश की तरफ एरो कर रही है। बट जो प्लैनेट 13 है उनके पास तो अपना दिमाग है, वो समझ जाते हैं कि ये हमसे लड़ाई नहीं कर रहे, ये किसी और को मार रहे हैं। बट तो ये लोग हैं ये पागल लोग जो 02 के प्रोटोटाइप है, वो बोलते हैं जब तक पापा का ऑर्डर नहीं आएगा हम इस ब्लू वाले बंदे को मारेंगे, इस ब्लू रोबोट्स को मारेंगे। ऊपर रेड अटैक होता है, तो इस जो बंदे हैं तो ब्लू वाले को मार रहे थे, ब्लू का बहुत गलत मार रहे, 02 प्रोटोटाइप है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उनको मार रहे होते हैं ये लोग। तो भाई वो एक तरीके से भी जो रेड वाला है वो उनको मारते हैं, फिर रेड रेड रोबोट भी सब पर अटैक करते हैं, एंड एक तरीके से ब्लू को ऑक्यूपाई कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। एंड अभी जो प्रिंसेस है वो हमारे उसके अंदर थी, तो वो उसको मतलब कि फ्रैंक जो होता है ना वो बोलता है कि फ्रैंक जो है कहीं परफेक्ट है, मुझे पता है कि फ्रैंक का परफेक्ट है, जो ये बंदा है 016 ये स्पेशल इंसान है जो मैं इसके साथ पे करने वाली हूँ, ठीक है। जो वो 016 और ये प्रिंसेस मिलती है ना, जो 016 काफ़ी अच्छी चीज़ नोटिस करता है कि भाई जो तो उसका बिहेवियर है वो 02 के साथ
कितना सिमिलर है, मतलब कितना मिलता जुलता है, वो दोनों एकदम एक से लग रहा था, दोनों बहन लग रही थी। एंड वो एकदम सिमिलर नोटिस करता है एंड बोलते तुम कौन हो मुझे बताओ, तो वो बताती है कि मैं दूसरे अट से आई हूँ एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद जब वार शुरू होता है, वो आते ही सबसे पहले इसको मतलब कि जो उनका फ्रैंक से 02 का उसको ऑक्यूपाई करता है एंड सबको अटैक करता है। एंड जितने भी ऊपर पापा थे ना उधर से तो वो आ रहे थे सबको, वो आते ही इतनी सैटेलाइट्स वो बैठे हुए थे सैटेलाइट्स में सबको ख़त्म कर देते हैं, सारे पापा मर गए। एंड अभी प्रिंसेस जिंदा थी, प्रिंसेस ही मर गई, ठीक है, प्रिंसेस को सबसे पहले मार दिया। तो 016 सर्वाइव करता है, 02 आती है एंड फिर वो किस करते हैं एंड वो फिर से फैंग को चलाते हैं। एंड इस बार जो प्रिंसेस बोलती है कि 02 मैं अपने तुम्हें जितनी मेरे अंदर पावर है मैं तुम्हें दे रही हूँ, एंड अब ये चीज़ तुम दोनों पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्यार कितना ताकत है और तुम्हारी फ्यूचर को कितना बचा पाता है, ठीक है। तो फिर वो तरीके से अब जो फ्रैंक था 02 का उसको स्पेस में लेकर चले जाते हैं। एंड स्पेस में जाने के बाद इनको लगता है कि वार ख़त्म हो गया, 016 और 02 है उसका बॉडी यहीं अर्थ पर रहता है, पर उनको लगता है वार ख़त्म हो गया, वार ख़त्म होता नहीं है। एंड वो फिर अब बोल और जो पापा जो होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं एंड दो तीन तो ये प्रोटोटाइप और जिंदा बच जाते हैं, पर उनकी हालत बहुत बुरी होती है। तो वो भी अपग्रेड कर रहे होते हैं कि भाई किस तरीके से खेती बाड़ी करें, किस तरीके से घर बनाए, एंड वो सारे स्टडी कर रहे होते हैं। जो 13 है अब वो एक तरीके से डैडीज बन चुके हैं सबके लिए। एंड वो सारा मतलब काला चीटा जो जो बच्चे मर चुके हैं, जो जो बच्चे को फ्रीज कर रखा है एंड सब कुछ का वो फिर से नॉर्मल करते हैं। बट उस समय जो 016 है वो सिर्फ 02 का केयर कर रहा होता है। 02 वार के बाद काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है एंड वो उससे इस चीज़ को काफ़ी डर जाता है एंड काफ़ी चीज़ें वो बोलता है कि भाई ये क्या हो गया है तुम्हें, तुम बोल क्यों नहीं रही। एंड वो हमेशा आकाश को देखती रहती है। फिर जब वो अपने हॉर्न को टच करता है एंड उसको फील करता है क्या दिक्कत है, तो वो बता उसको पता चलता है कि जो 01 02 है उसके ऊपर जो पावर है प्रिंसेस के, प्रिंसेस ने 02 को फ्रैंक के साथ फुल्ली कनेक्ट कर चुकी है एंड वो फ्रैंक के अंदर नहीं होकर भी वो वहाँ यहाँ से कंट्रोल कर रही है। एंड वो भी बोल फिर 016 है वो स्पेस में जाता है लड़ने के लिए। अब जब उसको जा रहा होता है तो अब ये सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें भी जाना है। तो इन दोनों को छोड़कर जिनका बच्चा आने वाला था, इन दोनों को छोड़कर ये सारे चल जाते हैं स्पेस में लड़ने के लिए। एंड लड़ते हैं एंड जो ये हमारा बंदा है तो 02 प्रोटोटाइप है, वो अपना वो सेक्रीफाइस करता है एंड 016 को फ्रैंक के अंदर किस तरीके से पहुँचा देता है। उसके बाद जो पहुँचता है वो देखता है कि जो मशीनें अपने आप चल रही हैं एंड उसके अंदर प्रिंसेस की ताकत है एंड 02 कंट्रोल कर रही है ताकत को। तो फिर बोलते हैं 02 प्लीज़ मुझे भी तुम अपने अंदर ले लो। एंड जो 02 है वो मशीन के अंदर बदल जाती है एंड वो सबको एकदम आसानी से मार रही होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स 02 प्रिंसेस इन तीन पापा कंबाइन हो जाता है एंड वो जितने भी मतलब कि बाहर से आए हुए एलियंस होती है जो अर्थ को ख़त्म करना चाहती है सबको मार देती है। एंड वो बोलती है कि मैं इसको जड़ से ख़त्म करूँगी एंड मुझे जहाँ इसका घर है उसको वहीं पर वहीं से ख़त्म करके आऊँगी, क्योंकि ये जो चीज़ है काफ़ी ख़तरा है, हमारे प्लेनेट के लिए नहीं है, तो भाई वो दूसरे प्लेनेट को अटैक करेंगे एंड फिर पावरफुल बन के हमारे प्लेनेट पर दोबारा अटैक कर सकते हैं, तो मुझे इनको जड़ से ख़त्म करना है। तो वो उनके प्लेनेट पर जाते हैं दूसरे, मतलब कि सोलर सिस्टम को छोड़ कर दूसरे सोलर सिस्टम जाती है जहाँ उनका घर है। एंड फिर वो लड़की बोलती है भाई ये हमारा डेट है भाई, एंड पता है इन क्या ही होने वाला है, वो एकदम फाइट करती है, एकदम फाइट 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 फाइट। तो 02 है वो तो जिंदा रह जाती है, पर 016 है ना वो 016 है वो भूखे, मतलब वो बोलता है कि ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे नींद आ रही है, आई थिंक 10 साल हो चुके हैं मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ। एंड 10 साल तक वो जितने भी चारों बंदे उसके दोस्त हैं वो सारे इतने बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं एंड वो सिंपल प्रे कर रहे होते हैं कि 02 किसी तरीके सर्वाइव हो जाए एंड वापस आ जाए। एंड कमिंग बैक का तो कोई ज़्यादा वो लगने का ऑप्शन होगा, तो भाई वो जाते हैं हमेशा बोलते हैं कि अब जो है हम दोनों को करना पड़ेगा, हम दोनों वजह से अर्थ जो है सर्वाइव कर सकती है। तो भाई वो 02 जब फाइनल बैटल पर जाती है तो 02 तो भाई सर्वाइव कर जाती है, बट 016 जो है वो भाई आउट ऑफ टाइम हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, उसे नींद आ रहा होता है। तो किसी तरीके से प्रे करते हैं सारे बच्चे, मोटिवेट करते हैं एंड 02 उठाती है, फिर वो उठता है एंड फिर उसके प्लैनेट को जा कर उसके अंदर घुस के ख़त्म करता है, पर जो हमारा फ्रैंक्स है वो भी ख़त्म हो जाता है। एंड जो ये पार्ट था भाई काफ़ी उड़ा जाने वाला पार्ट था एंड वो दोनों फिर मरने के बाद उनके दोनों आत्मा मिलते हैं एंड ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ दोनों ख़त्म हो गए ना, ठीक है।
जैसे कि मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में ना आई थिंक बहुत लोग जा चुके हैं पहले ही, एंड मुझे बुरा डिफिकल्टी है कि मैं अकेले ही जी रहा हूँ तेरे घर से। मतलब अभी तक मैं इस जगह बिल्कुल अकेले जी रहा हूँ। अकेले जीना जैसे पेंगराज वन टू इट पेंगराज, जहाँ बंदे को जी अकेले जीना आता था पहले, बट कोई आता है वो सिखाता है कि लोग आकर जीना, फिर वो मर जाती है ना, फिर बुरा दुख होता है इस तरीके से, वो भी बंदा मर जाता है तो एक तरह हैप्पी एंडिंग तो होती है। तो इसी तरीके से ना जीरो जो हमारा टाइम फैमिली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक हैप्पी एंडिंग हुआ। अब बंदा वो नहीं करेगा सर्वाइव, ठीक है, हमेशा पछताएगा कि मैंने वैसे बचाया नहीं। और जो 016 है वो दूसरी बंदी नहीं खोजेगा या दूसरे पार्टी से नहीं खोजेगा, या वो सोचेगा नहीं कि मैं उसे बचा पाता है नहीं बचा पाता, या कुछ भी चीज़ होता है ना, वो इस तरीके से दो नंबर के, उनका दूसरा लाइफ भी होता है, वो रिबॉर्न भी होते हैं। जो अर्थ अभी अपग्रेड हो चुकी है, जो अपग्रेड अभी अर्थ को मतलब कि 2013 ने अपग्रेड किया है, तो देखते हैं कि भाई सब शादी कर लेते हैं, अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनमें से दो बच्चे होते हैं 016 और 02 फिर से मिलते हैं। एंड यहाँ पर हमारी कहानी बंद ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, बाय।